यरूशलम के मुद्दे पर अलग थलग पड़े अमेरिका ने अब नया पैंतरा अपनाया है। अमेरिका के फैसले के खिलाफ खड़े देशों को अमेरिका अब आर्थिक सहायता रोकने की धमकी दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी की मान्यता खारिज करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों को आर्थिक मदद रोकने की धमकी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक ट्रंप का ये बयान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत निकी हेली के ट्वीट के बाद आया है। निकी हेली ने ट्वीट कर कहा था कि अमेरिका उन देशों के नाम लेगा जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे फैसले की आलोचना की। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के विरोध के बावजूद 6 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा गया। सुरक्षा परिषद के सभी 14 सदस्यों ने इस मसौदे के पक्ष में वोट किया था, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया। यरूशलम पर विवाद नया नहीं है, इसके लिए इसराइल 2 बार जंग लड़ चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि 1947 में अरब देशों ने इसराइल पर संयुक्त हमला कर दिया। इस हमले में इसराइल को बहुत नुकसान हुआ। युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलम पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया, तो वहीं पश्चिमी यरूशलम इसराइल के पास रहा। लेकिन 1967 में सिक्स डे वॉर के नाम से मशहूर इसराइल और अरब देशों के बीच हुई जंग में इसराइल ने लगभग पूरे यरूशलम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद साल 1980 में इसराइल ने यरूशलम को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में कई देशों ने इसका जमकर विरोध किया और यरूशलम पर इसराइल के कब्जे की निंदा की, जिसके बाद से यरूशलम को लेकर फिलिस्तीन और इसराइल आज तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। टीम इंडिलिंक्स।